शराब पीने के बाद पैसों को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने अपने साथी मित्र को मौत के घाट उतार दिया। यह वारदात रविवार की रात तहसील थाने के तहत आने वाले भारत माता चौक स्थित देवघर मोहल्ले में घटित हुई। आरोपी बबलू सोनालकर और मृतक 30 वर्षीय विधु नामक व्यक्ति बताया जा रहा है। शराब पीने के बाद पैसों को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने अपने साथी मित्र की ही हत्या कर उसे मौत के घाट उतार दिया। दरअसल ये वारदात रविवार की रात तहसील थाने के तहत आने वाले भारत माता चौक के पास देवघर मोहल्ले में घटित हुई। इस मामले में आरोपी बबलू सनालकर 20 वर्षीय बताया जा रहा है, जबकि मृतक 30 वर्षीय विज्जू नामक युवक है। आपको बता दें कि बबलू और विज्जू खड्डे इकट्ठा करने का काम करते थे, साथ ही उन्हें शराब की भी लत थी। परिसर में शराब की दुकान और उसके पीछे खड्डे की दुकान थी। दोनों शराब पीने और खड्डे बेचने के लिए कबाड़ी के पास जाते थे। इसी दौरान शराब पीने के बाद वह कबाड़ी की दुकान के सामने बैठे थे और इस बीच पैसों को लेकर उनके बीच विवाद हो गया और इसी विवाद में बबलू ने विज्जू पर हमला बोल दिया। घायल अवस्था में विज्जू को मेयो अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस वारदात से पूरे परिसर में खलबली मची है। 15/1/2023 रोजी सायंकाळी 7:30 सुमारास विजय हा मृतक आहे, त्याचं पूर्ण नाव अद्याप माहिती झालं नाही। विजय आणि बबलू सत्रमवार हा राहणार पाचपावली, दोघेही खरडे किंवा भंगार कलेक्ट करायचे काम करायचे आणि विजय हा 3-4 दिवसापूर्वीच हद्दीत आला अशी माहिती मिळाली। तर त्यांच्यामध्ये पैशाच्या देवाणघेवाणीवरनं वाद झाला आणि त्या वादातून त्यांच्यात मारामारी झाली आणि जो आरोपी आहे बबलू त्याने विजयवर एक पात्यासारख्या धारदार शस्त्राने मांडीवर जखम केली आणि त्याला मेयो रुग्णालयात ज्यावेळी दाखल केलं त्यावेळी त्याचा मृत्यू झाला होता। आरोपी बबलू याला ताब्यात घेण्यात आलेला आहे। पैशाच्या वादातून ही हत्या झाल्याची माहिती मिळाली आहे। बहरहाल वारदात का पता चलते ही Zone 3 के DCP कोरख भामरे मौके पर पहुंच गए और उन्होंने बबलू को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। NBC न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भारद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।